नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। सभी को नवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 15 अक्टूबर रविवार के दिन से। कलश मुहूर्त का जो समय है दोपहर 11:44 से 12:30 तक है और ब्रह्म मुहूर्त में आप कभी भी कर सकते हैं कलश स्थापना। रविवार का दिन मतलब माता शैल पुत्री का दिन रहने वाला है। आज माता शैल पुत्री स्वरूप की पूजा होने वाली है। आज कलश स्थापना करें और आज से ही शुरुआत करें माता रानी की पूजा की। 9 दिन 9 तरह की आप उन्हें चुनरी अर्पित करें। जिस दिन जिस कलर के लिए मैं आपको बताती हूँ, उस दिन आप भी उसी कलर का कपड़ा पहने। जिस चीज का मैं आपको भोग लगाने का बोलती हूँ, उसी चीज का आप भोग लगाए। आपकी मुंह मांगे मुराद पूरी होगी, ये मेरा दावा है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी माँ दुर्गा नव दुर्गा पृथ्वी पर ही वास करती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जो भक्त जो मन में इच्छा रख करके माता जी की पूजा करता है, उसकी वो इच्छा पूरी करती है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही है। आपके घर में सुख और समृद्धि का ढेर लगेगा। दोस्तों, रविवार के दिन माता शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। मतलब आज के दिन आप लाल कलर के कपड़े पहने, माता रानी को लाल कलर की चुनरी अर्पित करें। माता रानी के सामने आप मिठाई का प्रसाद रखें, माता रानी को लाल कलर के पुष्प अर्पित करें। हाँ, जो लोग अलग टाइप के अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे किसी ने महालक्ष्मी का अनुष्ठान किया है, माँ गायत्री का किया है, माँ चामुंडा का किया है, मातंगी माता का किया है, तो वो अपना अनुष्ठान अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो नवदुर्गा पूजा कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि हर घर में, और कोई आप किसी की भी पूजा करो, नवदुर्गा के अंदर माता रानी के सारे ही स्वरूप आ जाते हैं। तो आप आज के दिन माता रानी को लाल कलर के पुष्प अर्पित करें। एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लें और माता रानी के सामने घी का नैवेद्य रखें। घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं। नैवेद्य में भी माता रानी के सामने प्रसाद के रूप में भी आपको घी ही अर्पित करना है। ओम नमो शैल पुत्रिये नमो नमः, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आज के दिन आप जाप करें। आज के दिन सुबह उठते के साथ ओम नमो नव दुर्गाए नमो नमः, शैल पुत्रिये नमो नमः, ओम नमो नव दुर्गाए नमो नमः। नवरात्रि के पहले ही दिन सुबह उठते के साथ नव दुर्गाए नमो नमः, और हर दिन माता रानी का जिस दिन जिस स्वरूप की पूजा होनी है 3 बार उस मंत्र को बोलें। नवरात्रि के 9 दिन अगर आप इस उपाय को करते रहेंगे एवरीडे, तो हर दिन का आपको एक अलग ही फल प्राप्त होगा। आज के दिन माता रानी के सामने आप घी रखें, कटोरी में माता रानी को घी का प्रसाद अर्पित करें और उसके बाद में उस घी को आप पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जहां भी धन स्थान है आपका, वहां पर उस घी का थोड़ा सा तिलक लगा दें। रात को थोड़ा सा प्रसाद बचा कर रखें, जिसको आप रात को खुला छोड़ दें। नवरात्रि के पहले ही दिन हमारे घर में माता रानी भी आती है, हमारे घर में हमारे पूर्वज भी हर अच्छे दिनों में आते ही हैं। रात को कुछ देर के लिए उसका खुला रखें। सुबह उस घी को आप आटे में मिला लें और गाय को उसकी रोटी खिला दें। आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। करके देखिए इस उपाय को। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर के पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। दोस्तों, जिन लोगों ने हत्था जोड़ी, सीआर सिंगी, पारद शिवलिंग वगैरह 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 चीजें मंगाई है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नवरात्रि में तमाम चीजें आप तक पहुंचा दूं। हत्था जोड़ी, सीआर सिंगी, जो भी चीज पूजा पाठ की आपके पास पहुंच रही है, उसे पूजा स्थान में जरूर रख दे। जो लोग श्रीयंत्र स्पेशली मंगवा रहे हैं नवरात्रि के लिए, वे श्रीयंत्र को 9 दिन पूजा स्थान में रख करके उसकी पूजा जरूर करें। श्रीयंत्र जो बड़ी साइज का है, जिसमें मैंने कोड़ी, गोमती, चक्र तमाम चीजें यूज कर रखी हैं, उस शिवलिंग को पूजा स्थान में रखना है। दूसरा, जिन लोगों ने ये स्फटिक का, ये ओरिजिनल स्फटिक है, ये कांच का टुकड़ा नहीं है, कांच का टुकड़ा अगर आप लेने के लिए जाएंगे, आप कहीं पर भी लेंगे, आपको 200-400 रुपए में मिल जाने वाली चीज है, लेकिन ये ओरिजिनल स्फटिक में बनाया गया यंत्र है। ये हर तरह की सफलता देता है और घर में धन का ढेर लगाता है। इसकी पूजा करके आप इसको नवरात्रि में धारण कर सकते हैं। ये आपको हर फील्ड में सफलता दिला देगा, धन की कमी को दूर कर देता है। तो जरूर आप कोशिश करें इन चीजों को मंगाने की। दूसरा, जैसे मैंने बताया है वैसे माता रानी की पूजा करें, सफलता चरण चुनेगी।
करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्णा।